अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो रेम्बो राइस केक है। वैसे अमूमन आपने उसको चिकन के साथ देखा या कीमे के साथ बनाते हुए लोगों को देखा। आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने ये सिंपल चावल बॉयल किए हैं जैसे आम लोग घरों में करते हैं, उसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई है सिंपल, जैसे वो हरा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नींबू का रस लिया और इसको मैंने बना लिया। ये थोड़ा सा दूध और जर्दा रंग है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये केचप है, अगर आप केचप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह पे आप रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अमूमन आराम से बाज़ारों से मिल जाता है, तंदूरी कलर उसको कहते हैं। और ये सिंपल चिप्स है जो सॉल्टेड होती है, वो चिप्स है। ये एक पैकेट बड़ा लिया है हमने और ये गार्निश के लिए कुछ है तो ये एंड पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल मैंने 5 से 6 खाने के चम्मच लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हम रेम्बो राइस केक बना रहे हैं तो हमें इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, ये हम दाल के साथ बना रहे हैं। ये एक बड़े साइज का प्याज डाल दिया। अब इसको हल्का ब्राउन करना है। ये हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया, अब इसमें एक बड़े साइज का टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मसालों में मैंने डाला नमक, मिर्च, हल्दी, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है और ये थोड़ा सा अदरक पाउडर है। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा जिस तरह से खाते हैं आप उस तरह से डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये मसाला मैंने भून लिया, अब इसके अंदर ये मैं दाल डाल दूंगी। ये 1 कप के बराबर दाल है, ये मूंग की दाल है, पीली दाल जिसको कहते हैं। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और ये 5 से 10 मिनट के अंदर दाल बन जाती है। ये 7 से 10 मिनट में हमारी दाल रेडी है, इसको मैं दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करूँगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने चावल बॉईल किए थे, इसको मैंने 4 प्यालियों में बराबर तकसीम कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक में हम ये जर्दा रंग जो थोड़े से दूध में मैंने ये मिक्स कर लिया ये डालूँगी। अब ये मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे करेंगे। अब ये दूसरा में मैं केचप डालूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ये भी मिक्स हो गया, इसको भी साइड पे कर देंगे। अब ये जो तीसरा है इसमें ये जो चटनी बनाई थी ग्रीन कलर की ये डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
ये भी कलर मिक्स हो गया, ये सारे कलर हमारे मिक्स हो गए, बस ये वाले जो हैं बिल्कुल ये सादे ही रखेंगे, इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और उसके ऊपर मैंने एक टेबलस्पून ऑयल का डाल के तो एक ब्रश की मदद से हम ये हर तरफ से ग्रीस कर लेंगे इसको। उसके बाद ये एक बड़ा पैकेट जो चिप्स का लिया था उसको ऐसे बिछा देंगे। ये हर तरफ इसकी लेयर लगा दी। इसके बाद जो ये सादे चावल है जो हमने कलर के बगैर रखे थे इसकी लेयर लगाएंगे। और ये हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से हम हर तरफ दबा देंगे। ये हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से हर तरफ से प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने ये दाल मैंने जो बनाई थी बाउल में निकाल के इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब इसकी लेयर लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चिकन और कीमे से तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही थी कि दाल से बना के आपको दिखाऊं ताकि हर कोई बना सके आराम से। देखो ये मैंने इसको हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर जिसमें मैंने ये ग्रीन कलर डाला था ये डालेंगे। इसको हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं कुछ खीरे रख दूंगी ऐसे। इसके ऊपर ये जो जिसमें मैंने जर्दा रंग डाला था ये वाले चावल डाल दूंगी और इसको हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इसको मैंने हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर से ये चावल डालेंगे जिसमें मैंने केचप मिक्स की थी। अब इसको हर तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ये वाली लेयर भी लगा दिया। अब इसके ऊपर ये प्लेट रखेंगे और इसको आराम के साथ ऐसे कर देंगे। ये हमारा तैयार है। इसके ऊपर एक गार्निश करूंगी कुछ। इस तरह से आप खीरे रख लें, कुछ भी आप गार्निश कर सकते हैं। आप ये बनाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसलिए ये दाल के साथ आपको बना के दिखाया कि इससे हर कोई बना सकता है। इस तरह से आप गार्निश कर लें। ये हमारा तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।